हाँ जी दिया जी। हाँ जी आना, थोड़ा सामान पकड़ना। ये आ गए हो? हाँ आ गया मार्केट से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सब हमारे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और देखो मार्केट से आ गए सामान लेकर। हमारे हस्बैंड कहाँ लेकर आए हो? पॉपकॉर्न है और गाजर लिया है। गाजर का इसका हलवा बनेगा। और ये कुरकुरे खाएंगे अभी बैठ के, चाय के साथ खा लो। आ जाओ फिर, चलो पॉपकॉर्न खाएंगे। गेट लगा दो। मैं भी खाऊंगा पॉपकॉर्न हलवा। मैं भी खाऊंगी गाजर। मैं खाऊंगा पहले। बोलो बोल क्या खाएगा? पॉपकॉर्न गाजर का हलवा। बोलो हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट करें। हम पॉपकॉर्न खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, सारा खाएगी? हाँ बच्चे पॉपकॉर्न खाएंगे, कल मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा और गाजर का हलवा भी खाएंगे। खाने में तो इतनी एक्सपर्ट है देखो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल, ताकि हम अच्छे से वीडियो बना सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो? शिकायत लगा रहे बच्चे। फ्रेंड्स किया करो सब्सक्राइब, लाइक भी किया करो। फ्रेंड्स, और ये स्वेटर का डिजाइन है, और स्वेटर का डिजाइन हमने बना के तैयार कर लिया है। हम आपको अपनी वीडियो में दिखाएंगे ये डिजाइन हमने कैसे बनाया है। ऐसे इसको हमने यहाँ से ऐसे शुरू किया है, स्टार्टिंग में यहाँ से ऐसे मैंने शुरू किया है, और हम आपको दिखाएंगे डिजाइन बुन के, अभी वीडियो बनाने दिखाएंगे हम आपको अच्छे से पूरा डिजाइन बताएंगे। फ्रेंड्स, हमने ये बॉर्डर तैयार कर लिया है। ऐसे बॉर्डर मेरा तैयार हो चुका है लगभग लगभग, और हम इसको अब दिखाएंगे आपको डिजाइन। एक रो तैयार कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे डिजाइन। एक रो हम पहले एक सिंपल सा उतारेंगे इसे, फिर हम डिजाइन बनाएंगे। पीछे से उल्टी साइड पे उतार लेंगे, फिर आगे जब फ्रंट पार्ट में आएंगे फिर उसके बाद डिजाइन बनाना आपको बताएंगे। अब हम आ गए उल्टी साइड। अब हम उल्टी साइड भी एक रो इसको निकाल लेंगे, फिर फ्रंट पार्ट से हम फिर डिजाइन तैयार करेंगे। ये उल्टी साइड हमारी है फ्रेंड्स, देखिए आप सब देख सकते हैं, फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। इसको हम निकालेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे डिजाइन। फ्रेंड्स, हमारा ये पीछे वाला भी मैंने अपना सिलाई निकाल लिया एक रो। अब हम आ गए फ्रंट पार्ट पर, हम इसको गिन लेंगे कितना कितना है, इसको हम काउंटिंग कर लेंगे। काउंटिंग करने के बाद फिर हम आधे आधे पे इसको डिजाइन यहाँ से शुरू करेंगे, बीच बीच से। पाँच पाँच दस, पाँच पंद्रह, पाँच बीस, पाँच पच्चीस, पाँच तीस, पाँच पैंतीस, पाँच चालीस, एक इकतालीस। हमारा इसमें इकतालीस फंदा है, तो हम बीस बीस फंदा कर लेंगे आधे आधे पे। एक दो तीन चार पाँच छः, सात आठ नौ दस, दस एक ग्यारह, मान लिया मतलब आधा आधा फंदा कर लिया है। बीस इधर है और बीस इधर है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसमें कुल मेरा चालीस फंदा है, और हमने बीस इधर कर लिया है और बीस इधर कर लिया, बीच में हमारा एक बच रहा है, इसमें इकतालीस फंदे पूरे हैं। तो हम यहाँ से डिजाइन उठाएंगे अपनी, तब तक हम यहाँ बीस फंदा बुन लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये 20 फंदा बुन लिया, इसको हम काउंटिंग करके आपको दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हमारा ये 20 फंदा मतलब 20 फंदा हो गया। बीच में हम एक फंदा फालतू ले रखे हैं, अब यहीं से हम अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ से ऐसे इसको दो फंदा यहाँ से उतारेंगे ऐसे, और ये जो
दो फंदा हमने उतार लिया है। ये जो फ्रंट वाला है इसको हम पहले ऐसे ले लेंगे और बैक वाला हम इसको ऐसे ले लेंगे सिलाई में ऐसे यहाँ, फिर इसको हम ऐसे यहाँ से ऐसे बुन लेंगे ऐसे। ये हमारी चोटी बन गई ऐसे, ऐसे हमारी चोटी बन जाएगी यहाँ से। फिर हम यहाँ से इसको उतारेंगे ऐसे। अब यहाँ से हम ये फ्रंट वाला पहले ले लेंगे और बैक वाला बाद में ले लेंगे इसको ऐसे ऐसे। इधर से हम दोबारा आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, जैसे इधर से हम उतारेंगे तो जी हमारा ये फ्रंट पार्ट है इसको हम इधर पहले ले लेंगे और इधर इसको बैक वाला मतलब बैक वाला पहले इधर ले लेंगे, फ्रंट वाला इधर ले लेंगे इसको ऐसे करके। फिर हम दोनों को ऐसे मिला के ऐसे बुन देंगे ऐसे ऐसे। अभी हमारा दो फंदा हो गया मतलब ये चोटी नहीं बना रही हमने तो गलत कर दिया थोड़ा। हाँ हमको अलग अलग बुनना है इसको, हमें इसे अलग अलग बुनना है ऐसे। हमने इसको आगे पीछे कर लिया था तो हमें इसको अकेले अकेले बुनना है फ्रेंड्स ऐसे। इधर हम फ्रंट वाला पहले ले लेंगे और ये बैक वाला बाद में, फिर इसको ऐसे ले लेंगे अकेले अकेले बुन लेंगे इसको एक एक फंदा ऐसे एक एक रो हम ऐसे बुन लेंगे इसको भी। हम ऐसे जो लिए थे इसको अकेले अकेले बुनेंगे, पीछे वाला पहले बुन लेंगे और आगे वाला बाद में बुन लेंगे ऐसे। अब ये हमारा इधर को जाएगा साइड और ये साइड इधर को जाएगी। अब हम इसको ऐसे ही सारा सिंपली उतार लेंगे। अब हम बैक की तरफ आ गए हैं, पिछले बैक वाला में ऐसे उतार लेंगे सारा ऐसे हम उसको बुन लेंगे बैक की तरफ। फिर फ्रंट पार्ट की तरफ हम आपको बताएंगे अभी, हम सारा ऐसे ही बुन लेंगे डिजाइन को भी ऐसे ही जैसे मैंने बुना था ऐसे ही बुन लेंगे। अब हम अपन ही आ गए तीसरी सिलाई में, ये मतलब फ्रंट पार्ट की तरफ। अब हम इसको ऐसे ही बुनते रहेंगे 20 फंदा तक, जब तक हमारे डिजाइन बीच में नहीं आ जाता तब तक हम ऐसे इसको बुनते रहेंगे। अभी हमारा डिजाइन आ गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो मैंने बनाई थी ये चोटी ये। अब देखो हमारी चोटी साफ साफ दिख रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये। अब इसको हम यहाँ से फिर ऐसे ये चोटी ये हमारी है, हम इसे फ्रंट वाला फंदा ऐसे उतारेंगे फिर इसको यहाँ से ऐसे डालेंगे, फिर हम इसको ऐसे बुन लेंगे एक एक करके हम इसको बुन लेंगे ऐसे। अब फ्रेंड्स अब देखो ये भी दूसरी मेरी आ गई, हम इसको मैं से बैक वाला पहले ऐसे उतारेंगे फिर हम फ्रंट वाला ऐसे निकालेंगे ऐसे इसको इसमें डाल लेंगे। अब इसको पहले हम बुन लेंगे ऐसे ऐसे। अब हम सारा ऐसे सिंपल कर लेंगे अपना, क्योंकि डिजाइन 20 से शुरू हुई है और 20 से ही इसमें निकलेगी। अब हम इसको ऐसे बुन लेंगे पूरा सिंपल ही बुन लेंगे, फिर फ्रंट की तरफ से पूरा बुनते जाएंगे, फिर आगे की तरफ से फिर डिजाइन डालेंगे। अब हम आ गए फ्रंट पार्ट की तरफ। अब हम फिर से इसको जो मेरा सिंपल ही है इसको हम सिंपल ही बुन लेंगे इतना, फिर बीच में मेरा डिजाइन है फिर हम डिजाइन बीच में फिर बताएंगे आपको कैसे होगा। सारा में से उतार लेंगे इसको फ्रेंड्स। अब हम आ गए अपने डिजाइन के पास, जैसे हमारी ये चोटी आई हम एक फंदा पहले ही इसको हम ऐसे यहाँ उतार लेंगे ऐसे, ताकि हमारी ये चोटी एक इधर से जाए एक उधर से। अब हम इसको ऐसे बुन लेंगे गला भी बैठ रहा है फ्रेंड्स, ठंड बहुत हो रही है क्या बताएं, ठंड में सबका बुरा हाल है। अब हम इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ हम बनाएंगे चने वाली डिजाइन ऐसे फंदा, मतलब ऐसे हम ऐसे बैक पार्ट से फंदा ऐसे घुमा के आगे ले आएंगे फ्रेंड्स, ऐसे आगे ले आएंगे फिर इसको हम ऐसे यहाँ से ऐसे बुनेंगे ऐसे दो फंदा बुन लेंगे फ्रेंड्स ऐसे ऐसे। ये हमारी फर्स्ट डिजाइन है फ्रेंड्स, फिर हम इसको ऐसे धागा पीछे से खींच लेंगे, फिर
फिर हम इसको ऐसे लेकर आएंगे, ऐसे ऐसे धागा पीछे से ऐसे आगे कर लेंगे, फिर हम इसको दो फंदा ऐसे बुनेंगे, ऐसे ऐसे दो फंदा फिर से बुनेंगे हम फ्रेंड्स। हमारी आगे चोटी फ्रेंड्स, हमारा ये दो मतलब ये दो दाना पड़ गया हमारा, दो चना इधर। अब हमारी आगे चोटी फ्रेंड्स, अब हम इसको इसको फिर से फंदा ऐसे उतारेंगे, बैक वाला पहले लेंगे, आइए फ्रंट वाला बाद में। हम इसको ऐसे एक एक करके इसे फिर से बुनेंगे ऐसे। अब हम सारा सिंपली बुन लेंगे। हमारी ये जो डिजाइन है फ्रेंड्स है बहुत ही अच्छी लगती है, बट मोबाइल में अच्छा नहीं आ रहा, पर ये बनके पूरा बनके बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही क्यूट लगेगा हमारा डिजाइन। और बीच से ये डिजाइन उठेगी और बीच से उठेगी फिर हम ऊपर तक, ये दिल जैसा बन जाता है। पीछे से हम इसको फिर उतार लेंगे फ्रेंड्स, पीछे को हम इसे सिंपली उतार लेंगे, क्योंकि इसमें जो ये डिजाइन है पीछे से बनेगी नहीं, आगे से ही डिजाइन बनेगी। हम पीछे से सिंपली फिर से उतार लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। फ्रंट पार्ट पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे बीच से ही डिजाइन ये निकल रहा है। अब हम एक सिलाई पूरा सिंपली उतारेंगे, क्योंकि हमने अभी ये चना बनाया था, अब हम पूरा सिंपली उतारेंगे। पर ये जो ये चोटी है, चोटी तो हमें बनाना पड़ेगा, बाकी हम ये सिंपल उतार के फिर जब उधर से लेकर आएंगे दो रो में, फिर तीसरे रो में मैं आपको दूसरी डिजाइन बताएंगे, तब तक हम उसको ऐसे सिंपली सारा बुन लेते हैं। अब फ्रेंड्स अब देखो ये हमारी आ गई चोटी, फिर से ये हमारी चोटी आ गई। अब इसको हम फिर उतारेंगे, फिर इसको यहाँ से चढ़ाएंगे, ऐसे हम एक एक करके बुन लेंगे अलग अलग। अभी जो डिजाइन आई है फ्रेंड्स, डिजाइन को हम इसे बुन लेंगे पहले। अब हमारे यहाँ दूसरी डिजाइन पड़ेगी, हम यहाँ चार पांच रो निकाल लेंगे ऐसे ही सिंपली, बीच में हम बीच में कोई डिजाइन ना निकालेंगे। अब सिंपली में से दो दो तीन सिलाई और निकाल लेंगे। अब इधर फ्रेंड्स हम इसको फिर ऐसे कर लेंगे, ऐसे इधर का इधर, इधर का इधर। फ्रेंड्स अभी हम आपके यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं, कृपया हमारा भी थोड़ा सपोर्ट करें फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट में बताएं, और ताकि हम आपको वीडियो बना सकें और दे सकें, कैसी वीडियो आपको पसंद है फ्रेंड्स। हम बैक पार्ट में आ गए, बैक पार्ट में ऐसा ही बुन लेंगे, कुछ नहीं करना इस पीछे, ऐसे ही बुन लेंगे फ्रेंड्स। हमने ये बैक पार्ट भी निकाल दिया, हमारी डिजाइन देखो आप फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऐसे दिख रहे, कितनी क्यूट लग रही है हमारी डिजाइन। अब हम ये सिलाई भी रो भी हम ऐसे यहाँ चोटी बना लेंगे, उसके बाद हम इसको सिंपली सारा निकाल देंगे, डिजाइन आगे नहीं बनाएंगे। उसके बाद पीछे से भी सिंपली निकाल लेंगे, फिर जब आगे बनाए आएंगे फिर उसके बाद हम डिजाइन बनाएंगे इसमें फ्रेंड्स। डिजाइन बहुत ही अच्छी है, बना के देखिए आप, बहुत अच्छा लगेगा, बट मोबाइल में उतना अच्छा नहीं आ रहा फ्रेंड्स, और आप बनाएंगे तो डिजाइन बहुत ही अच्छी लगेगी फ्रेंड्स। अब हम बीच में आ गए, ये तो हमने चोटी बना ली है, अब दूसरी चोटी हमारी रह गई है, हम इसको ऐसे सिंपली बुन लेंगे, बीच में हमें डिजाइन नहीं डालना है फ्रेंड्स, देख लो। अब उस बार हम पीछे से जब आएंगे तो इस पर हम डिजाइन डालेंगे दूसरी फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं आप ये चोटी हम यहाँ से फिर ऐसे बैक करेंगे, यहाँ से ऐसे इसको इसमें डाल देंगे सिलाई में, फिर उसको हम यहाँ से ऐसे बुन लेंगे। ठंड से फ्रेंड्स हाथों की जो उंगलियां हैं सिकुड़ रखी है पूरा, इतनी ठंड हो रही है, हाथ भी नहीं काम कर रहा कि फटाफट बना ले, हाथों की उंगलियां भी सिकुड़ गई हैं पूरा, और खून की कमी भी हो रही थोड़ा फ्रेंड्स। और हमने ये बना लिया है, अब हम बैक पार्ट की तरफ आ गए हैं, इसको भी हम पीछे से ऐसे उतार लेंगे सारा, पीछे से वैसे पीछे कुछ नहीं करना फ्रेंड, फिर इसे हम ऐसे उतार लेंगे सारा फ्रेंड्स। अब हम आ गए फ्रंट पार्ट में, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। और अभी ये अब इधर की तरफ हम अब दूसरी डिजाइन डालेंगे यहाँ फ्रेंड्स, ये हमारी डिजाइन बीच से ही शुरू हुई है और ऐसे ही फैलती जाएगी, इसको हम इतना सिंपली बुनने में बीच में बताएंगे डिजाइन, अब दूसरी डिजाइन पड़ेगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब हम यहाँ आ गए यहाँ चोटी के पास, हम इसको ऐसे उतारेंगे, इसको हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे डालेंगे, फिर हम एक फंदा ऐसे बुन लेंगे,
अब हम यहाँ गिन लेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे पे फ्रेंड्स हम इसको यहाँ से ऐसे तिरछा बनाएंगे डिजाइन। एक फंदा और बोल ले फ्रेंड्स, फिर हम इसको यहाँ से तिरछा बनाएंगे, ऐसे तीन फंदे पे हम इसको ऐसे डालेंगे, निकालेंगे ऐसे, फिर एक फंदा हम यहाँ से बुन लेंगे ऐसे, फिर यहाँ से फिर इसी में डालेंगे ऐसे, फिर हम इसको यहाँ से ऐसे निकालेंगे पीछे से फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, फिर हम यहाँ से ऐसे फंदा बुन लेंगे ऐसे, फिर तीसरी बार हम फिर निकालेंगे फ्रेंड्स, ऐसे हम तीन बार निकालेंगे ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे हम तीन बार निकाले फ्रेंड्स, ऐसे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे दिख रहा है। अब हम यहाँ से दो फंदा बुन लेंगे फ्रेंड्स, पहले हम ऐसे, हमें टाइट नहीं करना, मतलब इसको धागे को मैंने ढीला ही रखना है उनको, फिर हम यहाँ से गिन लेंगे इसी लाइन में ऐसे, एक दो तीन, यहाँ से हम ऐसे सिलाई लगाएंगे ऐसे, फिर इसको ऐसे करेंगे यहाँ से ऐसे, फिर इसको यहाँ से ऐसे हम निकालेंगे थोड़ा ढीला करके, लंबा धागा करके, फिर हम इसको ऐसे कर लेंगे आराम से ऐसे, टाइट नहीं लेना हमें, फिर हम इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, फिर हम इसको ऐसे पीछे से निकालेंगे फ्रेंड्स, फिर हम एक फंदा बुन लेंगे, फिर हम ऐसे यहाँ से करेंगे ऐसे। अब हम इसको यहाँ से दो फंदा बुन लेंगे फ्रेंड्स। अब हमारी आ गई चोटी फ्रेंड्स, ये इसको हम ऐसे कर लेंगे ऐसे ऐसे, चोटी हमने बुन ली फ्रेंड्स। अब हम सिंपली सारा बुन लेंगे, फिर हम अभी बताएंगे आपको बैक पार्ट की तरफ। अब हम उसको फ्रेंड्स ऐसे ऐसे इसको यहाँ तक सिंपली बुन लेंगे, बैक पार्ट की तरफ से जहाँ ये डिजाइन पड़ी है इसको हम बताएंगे अभी आपको फ्रेंड्स। हमने इतना जो सिंपली था मैंने पीछे बुन लिया है फ्रेंड्स। अब हम आ गए डिजाइन के पीछे, इधर डिजाइन हमारी आ गई फ्रेंड्स। अब हम इसको बताएंगे आपको डिजाइन के पास फ्रेंड्स, ये डिजाइन हमारी आ गई। तो हमने डिजाइन में जो ये मेरा फंदा है, ये फंदा आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसको हमें डबल डबल लेना है, तीन फंदा है ये यहाँ, ये जो डिजाइन बनी है तीन फंदा, ये डिजाइन हमने खींचा है धागा, और इसके साथ साथ हमें एक एक फंदा बुनना है इसको डबल डबल, ताकि हमारा फंदा ये जो है ना तो ज़्यादा हो ना तो कम हो। ये अब ये तीन हो गया, ये तीन फंदा हमने धागा खींच खींच बनाया था ना हमारा फ्रेंड्स, अब ये हमारा तीन हो गया। अब देखो ऐसे बन गया, ये बीच में एक बुन लेंगे हम इसको ऐसे एक, फिर ये हमारा डिजाइन आ गया। डिजाइन के साथ साथ ये दो दो फंदा है जुट, इसको एक एक जुट में ऐसे बुन लेंगे फ्रेंड्स ऐसे, कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी डिजाइन है और बहुत परफेक्ट डिजाइन है फ्रेंड्स। आप भी बुन सकते हैं, अपने स्वेटर में बना सकते हैं। मैंने ये स्वेटर अपने हस्बैंड के लिए बुन रही हूँ, और बुन के बहुत अच्छा लगता है, और डालेंगे भी फ्रेंड्स, और मैं आपको दिखाऊंगी भी वीडियो में स्वेटर पूरा कंप्लीट करके फ्रंट पार्ट की तरफ। हमारा ये चोटी आ गया, हम चोटी बुन लेंगे, सारा सिंपली बुन लेंगे, हमें कुछ नहीं करना अभी यहाँ ऐसे। यहाँ हमें डिजाइन नहीं डालनी इस, अब ऐसे हम सिंपली बुन लेंगे फ्रेंड्स ऐसे। ये डिजाइन फ्रेंड्स ऐसे बनेगी, आप अपने मनपसंद अनुसार बना सकते हैं। आपको हम फोटो भी खींच के दे देंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वे चोटी को, हम फिर से आपको बता रहे हैं ऐसे फ्रेंड्स। अब हम यहाँ इसको दो सिलाई बुन के फिर हम ये चना डालेंगे, दो सिलाई हम बुन के फिर ये चना डालेंगे, फिर हम दो तीन सिलाई बुन के फिर हम ये डालेंगे, चार सिलाई बुन के हम ये डालेंगे। ये हमारा जो डिजाइन पड़ता है ये चार सिलाई पे पड़ेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारी वीडियो अब आज यहीं तक, और अगली वीडियो तक फिर आपको मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में फिर से, और तब तक हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए फ्रेंड्स, और देखिए हम वीडियो फिर आपके लिए लाएंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स ये स्वेटर बन के तैयार हो चुका है,
और देखो डिजाइन कितनी अच्छी लग रही फ्रेंड्स, ऐसे डिजाइन आप भी बनाइए फ्रेंड्स, बिल्कुल क्विट डिजाइन है और बनके बहुत ही अच्छी लगेगी फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा टाटा। यही था हमारी वीडियो। देख लो भाई कितने अच्छे से इन्होंने बहुत मेहनत करके बनाया है स्वेटर हमारे लिए सर्दी में। हम कैमरे की नजर में हैं।